नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रण क्षेत्र बनारस में। आज पहड़िया मंडी के बाहर ईवीएम पकड़े जाने को लेकर मचे बवाल पर क्लाउन टाइम्स के विशेष कवरेज। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थक पूरे संघर्ष में लगे हुए हैं अपने ईवीएम को, अपने सरकार को मजबूत पर लाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल लाल शर्मा पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था ईवीएम। वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में जुटे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक किसी भी कीमत पर जिला प्रशासन के दलील को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम के बहाने धांधली का आरोप लगाकर शाम से शुरू हंगामा रात 1 बजने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बनारस में ईवीएम की हेरा फेरी को लेकर मचा बवाल, पूरी तरह निकला झूठ का पुलिंदा। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रण क्षेत्र बनारस के पहड़िया मंडी में कथित रूप से ईवीएम पकड़े जाने की वीडियो वायरल होते ही हजारों की संख्या में जुटे सपा जनों के उग्र प्रदर्शन और घंटों चले हंगामे के बाद सभी को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि विरोध करने वालों को कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बनारस में ईवीएम की कथित गड़बड़ी का मामला वैसा ही निकला जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। शाम लगभग 5 बजे से शुरू हुआ बवाल आधी रात के बाद भी चलता रहा। विपक्षी दल के नेताओं और समर्थकों ने न केवल खूब बवाल काटा, बल्कि पुलिस कमिश्नर एस सतीश गणेश का ऐसा विरोध किया, पुलिस कर्मियों के हल्का बल प्रयोग करने पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर दी। उग्र प्रदर्शन की इसी कड़ी में सिगरा थाने पर सपाइयों ने एडीजी जोन राम कुमार के वाहन के अलावा थाने की जीप पर भी पत्थर फेंका, जिससे कार के शीशे टूट गए। यहां भी सुरक्षा कर्मियों की सक्रियता देखकर पथराव करने वाले भाग खड़े हुए। बावजूद इसके जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने वाले प्रदर्शनकारियों को जब इस बात का भरोसा और विश्वास हो गया कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तब जाकर वे शांत हुए। इस पूरे हंगामे को शांत करने के लिए वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कौशल लाल शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कार्यकर्ताओं के लाख विरोध के बावजूद पूरे संयम का परिचय दिया और पूरे दावे और प्रमाण के साथ दिखा दिया कि ईवीएम मशीन को यूपी कॉलेज में मतगणना से पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजी जा रही थी। केवल इतनी चूक जरूर हुई कि इसकी सूचना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं दी गई। बस यहीं से मामला हंगामे में तब्दील हो गया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जिसको लेकर लगभग 11 घंटे से अधिक उग्र प्रदर्शन होता रहा। कई बार प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की भी नौबत आई, लेकिन जिला प्रशासन के सूझबूझ और विभिन्न दलों के जिम्मेदार नेताओं की पहल से अंततः मामला इस भरोसे और विश्वास के साथ ठंडा पड़ा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। कुल मिलाकर मतदान से लेकर मतगणना के पूर्व सपा जनों का हौसला इतना बुलंद है कि वह किसी भी हद तक प्रदर्शन करने को तैयार है। बावजूद इसके प्रत्याशियों की किस्मत 7 मार्च को ईवीएम में कैद है, जो 10 मार्च को मतगणना के बाद सभी की किस्मत खुलने वाली है। तभी तय होगा कि किसके सिर पर होगा जीत का सहरा और यूपी में किसकी बनेगी सरकार। हम लोग कमिश्निंग में जो आपको रेंडमाइजेशन में मिला होगा, कमिश्निंग में कुछ चेंज हुआ तो पार्ट नंबर बदलेगा, आप उसको मैप नहीं करा पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात सुन लीजिए प्लीज, मैं बता रहा हूँ जानकारी इसलिए दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस ईवीएम में पोल हुआ सब कुछ दे दिया, आपने उस पे चेंज नहीं किया था ना, वहाँ खुलेगा आप वो लिस्ट जो रैंडमाइज वाली है वो नहीं हम मांग रहे हैं, केवल यहाँ जो है उसका मांग है। नहीं, एक सेकंड मंत्री जी, क्या नारा लगाइए। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद है, काफी भड़के हुए हैं। आइए हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आरोप ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे, अभी बनारस आए थे 3 दिन रुके, 3 दिन में उनको पता चल गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी माननीय अखिलेश यादव जी आए थे 2 घंटे के लिए, वो 3 दिन बनारस रुके तो उनको औकात पता चल गई कि मेरी औकात क्या है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का डायरेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी से कंपेयर करवाया जा रहा है, और उसमें हताशा निराशा भाजपा के हर एक व्यक्ति जितने प्रत्याशी से लेके वर्कर जितने उसके कार्यकर्ता है, और उसके बाद नफरत की ये दुनिया है और यहाँ सब मतलब के खिलाड़ी हैं, हम लोग मोहब्बत बताने बना देंगे, हम लोग किशन के पुजारी हैं।
कि आए अपना जनादेश दे दिया, अब उसके विरोध क्यों कर रहे हैं? हम वाराणसी दर्शली के वोटर, लेकिन जनता ने जब अपना जनादेश दे दिया तो आप यूएम क्यों लेके मसीद से लेके भाग रहे हैं? कभी आप युवा मेरा पहली बार वोट आया था, मैंने भैया किसी दीक्षित के लिए वोट दिया था, और ये भैया जो हैं गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जितने कैंडिडेट हैं बीजेपी को दो करोड़ तीन करोड़ लेते हैं, हमारे समाजवादी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो एक रुपया भैया से नहीं लेकर गरीब परिवार को टिकट दिया, और ये बीजेपी की साजिश देखिए, गरीब आदमी को हराने की कोशिश हर चुके हैं। हमको ऐसा सरकार नहीं चाहिए, इस मारे नहीं चाहिए, चोरी से जीतने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए, ईमानदारी की सरकार हमको हर समय चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई हो, बाकी हमको ईमानदारी ईमानदारी का, ये चोरी से नहीं। गजब नतीजे, ये अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। मोदी जी, मैं आपको बनारस की धरती से आपसे कहना चाहता हूं, निकालेंगे सर्किट हाउस पे। आपको हम धन्यवाद देते हैं, सारे भाई लोग आपको धन्यवाद देंगे कि आपने यहां आया और आप सबका ये मुद्दा यहां पे सारे लोगों का सुन के सबको दिखाने का बहुत बढ़िया आभारी हूं मैं आपका कि आप सबको दिखा रही है, कम से कम और लोगों के पास ये सूचनाएं पहुँच जाए और यहाँ पे हम लोग भारी से भारी लोग इकट्ठित होके यहाँ पे इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तुफैल अंसारी 79 बलुआबीर। क्या आरोप है आपका? आरोप आप जो देख ही रही हैं कि पूरे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। प्री पहाड़िया मंडी के बाहर हजारों की संख्या में जुटे राजनीतिक दलों के समर्थक जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ ईवीएम चोरी करने का आरोप लगाकर बवाल खड़ा कर दिया गया है। विधानसभा कब होती है? जब रेंडमाइजेशन होता है फिर डिसाइड होता है कि ये इधर विधानसभा में जाएगी, ये इधर विधानसभा में जाएगी। ये मशीन जब मशीन को चालू करेंगे तो पता चल जाएगा वोट नहीं पड़ा उसमें। सबसे पहले चालू करें पता नहीं चल गया, बहुत बड़ा है कि नहीं पड़ा नहीं पता लीजिए। इस सीयू के साथ में जो बीयू, क्या इसमें किसी कैंडिडेट का नाम हो गया? मंत्री जी अब अपनी आपकी वो बात कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? यू डू योर जॉब। अरे आप छोड़ो यार, अब इसमें पर्ची होगी पूरा प्रोसेस और इसका कोई कोई कंजेंट नहीं है तो आपको ही ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग
परेशान है, अरे परेशान है तो उन्हें उसकी बैटरी नहीं है, पास में आ गया करें। इसका वीडियो बनाओ भाई, सबको अच्छे से सोलह है भाई, कहीं सोलह अनारस पहले चीज देख लीजिए, सोलह दिखा रहा है मतलब सोलह, ये देखिए सोलह इस पे है, पहला गलत समझ में आया, सोलह कैंडिडेट दिखा रहा है ना, पंद्रह प्लस एक, ये अब तो मानोगे ना कि वही है, ये मत कर देना कि बात नहीं, हम तो अभी इधर देख लेंगे, ये दबाएंगे देख दिखा देंगे। कोशिश तो कर रहे हैं, हमें तब भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से जो हमारे मतलब इतना हमें नॉलेज हम तो तुम कर दे रहे हैं, जब स्ट्रांग रूम सील हो रहा था तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग इसके सील कराने के बाद ये एक्स्ट्रा मशीनें रखी है, इसको भी चेक कर देख लीजिए, ये मशीनें निकल के जा रही है, इसको भी आके आप लोग देख लीजिए, ये मशीनें साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं ये तो बता देना जी, ना यहाँ स्ट्रांग रूम पर रखा हुआ है, सबसे पहले आप ये देखिए आपका सारा काम आप जरूर महोदय खुद करा रहे हैं, ये बहुत सही है, ये चीज बहुत सही है, मगर सर एक चीज हर चीज में चलाया नहीं जाता ना, पहले सुना भी जाता है, सुनने की प्रैक्टिस भी करिए, बताइए हर चीज में आप भी जानते हो, आप बताइए जो आपने कहा कि रिजर्व रख दिया, ये कौन सी रिजर्व है पता भी है आपको, कौन सी रिजर्व में है क्या, रिजर्व क्या होती है, रिजर्व का मतलब आपने रखा था, रिजर्व का मतलब बताओ, रिजर्व रखा ये चीज हमारी बची है अलग रखी, बस वो रिजर्व दो तरह का, एक जो आप पोल के दौरान यूज करते हो और जो उसकी मतलब पोलिंग के लिए लेते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक जरूरत नहीं पड़ी, ठीक जो दूसरी क्या होती है जो ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं, वो रिजर्व में नहीं काउंट होती है, वो ट्रेनिंग की मटेरियल आइटम है और वो ट्रेनिंग की आइटम है, अगर वो एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ट्रेनिंग के आइटम के लिए हम आपको ये कहें कि कहाँ रखे हैं, हाँ ये बात जरूर था कि वहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत एक एक लाइन में समझाऊं, ये जो मशीन है ना, इस मशीन को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंदर उपयोग में लाए जाने की संभावना, क्योंकि ये ना रैंडम ना रिजर्व में थी और ना ही ये एक्चुअल में थी, ये रैंडमाइजेशन जो होता है सेकंड रैंडमाइजेशन, उस रैंडमाइजेशन की में ही कभी नहीं आई, ये इस परिसर के अंदर थी ना, इसके अरे इस परिसर के अंदर तो अब वही बात है, परिसर के अंदर तो बहुत चीजें हैं, डाउट होगा कि नहीं होगा, आप इतना कॉमन सेंस लगाओ, एक छोटी सी बात, 150 लोगों के सामने, 150 लोग यहाँ बैठे थे, उनके सामने क्या कोई ऐसे मशीनों को निकाल के लेके जाएगा, कोई इतना बेवकूफ होगा जिसको बदमाशी करेगा, 150 लोगों के सामने बदमाशी करेगा, मैं जी बता दूं आपको, मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपकी देख लीजिए, अगर कोई गलती से भी गलती किया ना तो गोली मार देंगे इसके, आप अगर गलती से भी स्ट्रांग रूम को छेड़ने की कोशिश किए साइड मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, और अगर आपने गलती से भी अगर स्ट्रांग रूम को छेड़ने की कोशिश की गोली मार के जान ले लेंगे, जो कैंडिडेट होते हैं ना, कैंडिडेट्स को इनर पेरिफेरी नहीं आउटर पेरिफेरी तक ही आने के होती है, अंदर के बाद डी सर नीलो सर ने आपको इनर पेरिफेरी और आउटर पेरिफेरी के बीच में बिठाया है, आउटर पेरिफेरी आपको पता है ना 50 फीट आगे है जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी, सही है, हम चाहते तो आपको वहीं रोक लेते हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट व्यू आया इसका, इसलिए हमने आपको यहाँ बिठाया है, समझ गए, और सुन लीजिए मेरी बात को, इनर पेरिफेरी से अंदर तो आरओ भी नहीं आ सकता, मैं आया था शाम को देखने के लिए, ये कमांडेंट साहब होंगे, मैं इस आउटर इनर पेरिफेरी के ऊपर खड़ा हूँ कि वहां से साइड होकर वहीं से चला गया था, अंदर भी नहीं आया था, इतनी इसकी सेंटिटी होती है, आप समझ रहे किसी बात को,
इतना आसान नहीं है सर, आपके ऊपर नहीं है प्रोसीजर मिस्टेक है। आरओ ने सारे लोगों को ये गलत फहमी हुई कि हमारी ईवीएम बदली जा रही है, तो इसको हम लोगों ने और सारे अधिकारियों के सामने ऑल कैंडिडेट के सामने चेक हो गया। ये एक ट्रेनिंग की ईवीएम थी आपकी, इसकी जो जिसमें वोट पोल हुआ है ये ईवीएम नहीं है, ठीक है। ये पूरा संतुष्टि हो गया, सुनो आपने जितना जितने ईवीएम में मशीन जितने ईवीएम में वोट पड़ा है उस ईवीएम के सारे लिस्ट को आल कैंडिडेट को दे दिया गया। क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ, अब ये थोड़ी प्रशासन की गलती की वजह से ऐसा हुआ। अब वो ईवीएम जो है जो ट्रेनिंग वाली थी वो इन लोगों ने बताया नहीं, उसी की गलत फहमी से पूरे कार्यकर्ता आल पार्टी असंतुष्ट थे। अब वो चेक कर लिया गया, वो वोटिंग वाली ईवीएम नहीं थी, ट्रेनिंग वाली थी। अब सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं और अब काउंटिंग में मिलेंगे। जो अभी ईवीएम पकड़ी गई थी गाड़ी, उसके संबंध में जिला प्रशासन से बातचीत हुई। अभी उन्होंने मशीन को इंजीनियर बुला के चेक कराया और उन्होंने ये संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया है कि ये जो मशीनें पकड़ी गई ये गाड़ी में थी, वो मशीन जो एक्स्ट्रा सेक्टर में स्टेट लेकर चलते हैं वो मशीनें थी, न कि जो स्ट्रांग रूम में रखी गई थी वो मशीनें थी, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। क्लाउड टाइम्स ब्रेक न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स से खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।